cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why do you wanna move like that? Where you want going? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आपने देखना शुरू कर दिया है शिवनीता टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं कैंडिड V6 टैबलेट के बारे में। इसका इस्तेमाल कहां कहां पे होता है, इसका सही यूज़ क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसका सही खुराक क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है। दोस्तों देखिए, पहले शुरू करते हैं वीडियो को एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। दोस्तों ये जो कैंडिड V6 टैबलेट है, ये ग्लेनमार्क कंपनी की एक बहुत ही सुपर पेटेंट दवा कही जा सकती है। इस पर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं और मेनली ये दवा होती है, ये महिलाओं की दवा होती है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि ये जो दवा होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका यूज़ आखिर क्या होता है, इसलिए आपने ये वीडियो सर्च की होगी, पहले वो चीज़ समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, ये जो महिलाओं में जो वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। महिलाओं में जितने भी वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि अन्य कई सारी जो दिक्कतें होती हैं महिलाओं की, तो उनमें ये बहुत ही उम्दा काम करते हैं। मतलब कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ये महिलाओं के वजाइनल इन्फेक्शन में, महिलाओं के फंगल इन्फेक्शन में जो कि वजाइनल्स में होते हैं, उनमें ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए मैं बता दूं कि आखिर में ये जो कैंडिड V6 टैबलेट है, इसके अंदर मेन दवा कौन सी होती है और वो किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों देखिए, जो कैंडिड V6 टैबलेट है, ये इसमें इसका जो मेन दवा होती है वो होती है क्लोट्रिमाजोल। और ये जो क्लोट्रिमाजोल होता है, ये एक प्रकार का एंटी फंगल ड्रग होता है। मतलब कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये उसको ठीक करता है। अब मैं आपको एक बता दूं मोटा मोटा कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो अक्सर ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर अक्सर नमी रहती है। जैसे कि ये लिंग पर ज़्यादा होते हैं, लिंग के आसपास के एरिया ज़्यादा होते हैं जहाँ पर हमेशा नमी पाई जाती है, तो ऐसे जगह पर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा एक रोल अदा करती है, क्योंकि ये एंटी फंगल दवा होती है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो दवा होती है, ये खाने के लिए नहीं होती है, ये एक वेजाइनल टैबलेट होती है। इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, डॉक्टर आपको बताएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस टैबलेट में बाकायदा लिखा होता है। देखिए, ये एक पूरा पत्ता है इसमें कैंडिड V6 का, और इसमें आप देखेंगे इस कैंडिड V6 टैबलेट में सिर्फ एक पत्ते में सिर्फ 6 टैबलेट होते हैं, इसीलिए इसका नाम कंपनी ने कैंडिड V6 रखा। कैंडिड तो ब्रांड नेम हो गया, वी मतलब वेजाइनल और 6 का इंडिकेट कर रहा है, इनके अंदर 6 टैबलेट्स होते हैं। अब एक साथ में एक और यंत्र दे रखा है, इसका क्या काम होता है, ये टैबलेट निकाल करके इसमें इंसर्ट करते हैं और ये सुई की तरह से पीछे आता है, और उसके बाद वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद इसको आप दबाएंगे तो ये अच्छे तरीके से दवा को प्लेस कर देता है। ये इसका काम होता है और इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लगभग इसको एक दिन में एक बार करते हैं। अब कई सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या कैंडिड V6 प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है या नहीं सेफ है। दोस्तों अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो सेफ़ है। वैसे इसका जो ट्रायल किया गया है वो जानवरों पर किया गया है, तो वो उसमें सेफ ही आया है, तो इसको कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं तब। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो होता है कि आपने जब उसको इंसर्ट किया दवा को, तो हो सकता है उस जगह पर थोड़ा सा रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, ईचिंग हो, या इरिटेशन का सेंसेशन हो, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई और साइड इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि जो साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया, ये मुश्किल से 10-15 मिनट के तक होते हैं, इसके बाद ही अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और इसका डोज मैंने आपको बता ही दिया है, और तो ये तो पूरी एक संपूर्ण जानकारी थी कैंडिड V6 टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी व्यूअर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।